पूर्वांचल बैंक के चेयरमैन एके सिन्हा ने बैंक की उपलब्धियों के बारे में गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत के दौरान बताया कि पूर्वांचल बैंक के ग्रामीण बैंक होते हुए भी इसकी पूर्वांचल में सबसे अधिक शाखाएं हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दो जिलों में शाखाएं स्थापित की जा चुकी हैं और इसका विस्तार किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उनकी सैकड़ों शाखाएं ऐसी हैं जो केवल और केवल सौर ऊर्जा से संचालित होती हैं। इस संबंध में विस्तार पूर्वक गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा, सर अब तक क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं पूर्वांचल बैंक की, इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा। ये हमारा पूर्वांचल बैंक जो कि 11 डिस्ट्रिक्ट में 598 ब्रांचेस से कार्यरत है और विगत वर्ष में हमने 27 नई शाखाएं खोली हैं। इन शाखाओं के अलावा भी हमारे पूर्वांचल बैंक में करीब 1967 ग्राहक सेवा केंद्र हैं जो भी अपने इन ग्राहक सेवा केंद्रों से जनता का जो हमारे ग्राहक हैं वो पैसे निकाल सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं, खाते खोल सकते हैं तथा अन्य सेवाएं ले सकते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा बैंक है क्योंकि इतनी ज़्यादा शाखाओं का कोई और बैंक पूर्वांचल में नहीं है। पूर्वांचल के 9 डिस्ट्रिक्ट के अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास इटावा और औरैया भी है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। तो एक बड़ा व्यापक हमारा नेटवर्क है। इसके अलावा जो पिछले 31 मार्च तक अगर हमारी जमाएं हैं तो वो 11,273 करोड़ की हैं और हमने 3,995 करोड़ का ऋण दे रखा है लोगों को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल व्यवसाय हमारा 15,300 करोड़ के लगभग है। विगत वर्ष में हमारी जो लाभप्रदता रही है वो 30.43 करोड़ की रही है, वो भी अपने आप में कीर्तिमान है क्योंकि ग्रामीण बैंक के द्वारा इतना बड़ा लाभ अर्जित किया गया है। हमारे पास करीब 1,014 करोड़ ग्राहक हैं हमारे बैंक के, इसमें ऋण और जमा दोनों के ग्राहक हैं और लगातार इनमें वृद्धि हो रही है। इस साल हमने 10,00,000 नए ग्राहकों को जोड़ने का अपना लक्ष्य रखा है। इस साल हम अपने जमा में 15% की वृद्धि करने जा रहे हैं और हमने ऋण के लिए 25% किया है। 1,000 करोड़ से ज़्यादा हम अपने क्षेत्र की जनता को ऋण प्रदान करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है इस साल का। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, बैंकों में जितनी तरह की टेक्नोलॉजी है सारी आज हमारे पास है। हमारे पास मोबाइल बैंकिंग है, हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है, हमारे पास IMPS है, हमारे पास निफ्ट है, RTGS है और इसके अलावा भीम है, हमारे पास UPI है हमारे पास। तो हर तरह का जो नेटवर्किंग और हर तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो हमारे बैंक में है। ये कहलाने को तो पूर्वांचल बैंक एक रीजनल रूरल बैंक है जिसको हम लोग छोटे नाम पर ग्रामीण बैंक कहते हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से अपने सारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहते हैं कि ग्रामीण बैंक जमा और ऋण में हर वो उत्पाद में देने को तैयार है जो कमर्शियल बैंक देते हैं, चाहे वो कार लोन हो, चाहे मकान के लिए लोन हो, चाहे व्यापार के लिए लोन हो, चाहे प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स वगैरह अपने लिए लोन की बात कर रहे हों या कृषि के किसी भी चीज़ के लिए लोन है। माने लोन के जितने भी आयाम हैं किसी भी बैंक में वो हमारे पूर्वांचल बैंक के पास हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें ग्रामीण बैंक है तो केवल उनके लिए हैं, हम सारे लोगों के लिए कर सकते हैं। हम बड़े से बड़े लोन दे सकते हैं, छोटे से छोटे लोन दे सकते हैं। हमारे यहाँ से सबसे बड़ा लोन है वो 30 करोड़ तक का लोन है और इसलिए हम बड़ा व्यापक रूप से अपना व्यापार करते हैं। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी आवश्यकता हो, ऋण की आवश्यकता हो, जमा की आवश्यकता हो या कोई भी उत्पाद की आपको आवश्यकता हो तो निकटतम शाखाओं से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी सारी शाखाओं में शिकायत के लिए भी एक नंबर रुका है जो हमारा माने जो केयर जो कस्टमर केयर नंबर है, इस पर भी आप बात कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको नीड हो। इसके अलावा हम अपने जो हमारे स्टाफ हैं वो इस समय करीब 2500 के लगभग हमारे स्टाफ हैं और इनके भी लगातार इनको व्यवहारिक ज्ञान हो, इनको आर्थिक जगत में बदलते हुए जो रूप हैं उसके बारे में इनको जानकारी हो, इसके लिए हमने 3 जगह अपने ट्रेनिंग सेंटर रख रखे हैं। गोरखपुर में हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसको हम एपेक्स ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं। इसके अलावा बलिया और इटावा में भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लगातार अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते रहते हैं
ताकि बदलते स्वरूप में, बदलते आर्थिक दृष्टिकोण में उनका दृष्टिकोण बढ़े और वो ग्राहकों की अच्छी से अच्छी सेवा कर सकें। सर जैसा कि बताया आपने वेस्टर्न में इटावा में है और एक जगह और है औरैया में, उसका भी और प्रसार होगा वेस्टर्न? बिल्कुल, वेस्टर्न में हमारी जो औरैया और इटावा है इसमें कुल 52 शाखाएँ थी पहले, अभी इस साल एक शाखा हमने और जोड़ा, 53 शाखाएँ हैं। जहाँ तक ग्राहक सेवा की है वहाँ पर 109 ग्राहक सेवाएँ काम कर रही हैं और निकट भविष्य में हम ये समझते हैं कि 4-5 शाखाएं और हम खोलेंगे आवश्यकता अनुसार। तो इस तरह से लगातार हम अपना भी विकास कर रहे हैं, लेकिन मेन हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे माध्यम से जो जनता है, जो ग्राहक है, उनका भी विकास हो, तो हर तरह की उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम तैयार हैं। सर एनर्जी एफिशिएंसी के अगर देखा जाए तो सोलर प्लांट लगा के ब्रांचेस चलाए जाएँ तो काफ़ी ठीक है, तो इसमें कहाँ है? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कहा है, मैं इसमें बड़ा गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 598 शाखाओं में से 183 शाखाएं केवल सोलर एनर्जी पर चल रही हैं और ये एक अनुपम प्रयोग है जो हम लोग कर रहे हैं और इस साल हम 100 अपनी और शाखाओं को उसमें जोड़ने जा रहे हैं और इन शाखाओं में न बिजली का कनेक्शन है न जनरेटर है और ये बहुत सुगम ढंग से चल रही हैं, जिसमें हमारा कॉस्ट भी बच रहा है और वातावरण और पर्यावरण के लिए ये उत्तम व्यवस्था है।